सुजौली क्षेत्र के शिवालयों पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली। विशेष साज सज्जा से सुसज्जित किए गए शिवालय, बोले शंकर के दर्शन के लिए शिवालयों में भक्तों का लगा रहा तांता। बम बम बोले हर हर महादेव के जय घोष से गूंजता रहा शिवालय। पूजा सामग्री से लेकर खिलौने अन्य दुकानें भी सजी थी। टपरा बाजार मेला मैदान स्थित दुर्गा माता मंदिर में स्थापित शिव मंदिर में महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। शिवलिंग का जलाभिषेक किया, मंदिर में फूलों की आकर्षक सेज सजाई गई। महाशिवरात्रि पर्व के समिति के सदस्यों के द्वारा मंदिर में की गई भव्य व्यवस्था। मौजूद है दुर्गा माता मंदिर टपरा जो सुजौली में, हमारे साथ मौजूद है मंत्री जो अध्यक्ष हैं समिति के। जी मंत्री जी, इस पर्व की क्या विशेषताएं हैं और किस किस आयोजन किया गया है यहाँ पर? यहाँ पे हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पूजा मनाया जा रहा है। जैसे कि हर साल सिर्फ महाशिवरात्रि पूजा ही मनाया जा रहा था, इस साल महाशिवरात्रि पूजा के साथ में एक काम और जोड़ दिया गया है, शिव विवाह का कार्यक्रम। जी, जिसमें समय 6 बजे हम जुलूस टाइप में शोभा यात्रा निकालेंगे भगवान शंकर और पार्वती जी के साथ में। जी, और यह शोभा यात्रा गहरमपुरवा घोरेपुरवा गोड़ियाना होते हुए बाजार होते हुए मंदिर पे आएगी। इसके बाद जयमाल सिस्टम लगा हुआ है, जयमाल सिस्टम से शिव विवाह का कार्यक्रम संपन्न होगा। जी, और रात भर सुंदर सुंदर प्यारी सी झांकी दिखाई जाएगी। कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं देखने? यहाँ पे बहुत दूर से लोग आते हैं, पूरे कारीपुर न्याय पंचायत से आमा बर्दिया बिश्नापुर फकीरपुर हर एक जगह के आदमी आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर है अपना। सुजौली से कृष्णा पांडे की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।